हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत 1.3 बिलियन डॉलर्स के जो रिक्वेस्ट है, मतलब कि 10,000 करोड़ की जो पेमेंट है, वो रशिया को जितनी जल्द से जल्द हो सके पे कर दे। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही चीज़ की आ रही है कि आखिरकार भारत किस करेंसी में करेगा रशिया को पे, क्योंकि पहले जब भी ट्रेड होता था तो दोनों के बीच में US डॉलर से किया जाता था ट्रेड, बट हाल फिलहाल में लगे सैंक्शंस और स्विफ्ट से निकाल देने के बाद रशिया को अब US डॉलर्स का तो ऑप्शन ही नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि सारे बैंक्स सैंक्शन के अंडर है, और अगर इंडिया चाहे भी तो इंडिया पे नहीं कर सकता रशिया को। इंडिया पहले पे करता था वाया यूको बैंक, बट अब यूको बैंक चाह कर भी रशिया को पे नहीं कर सकता क्योंकि सारे बैंक स्विफ्ट सैंक्शन के अंदर कट चुके हैं। अब हम चलिए बात करते हैं रुपी रूबल ट्रेड में। अगर मान लीजिए एक पल को भारत रशिया को सारे पेमेंट्स करता है रुपी के अंडर, तो वो दिक्कत हो जाएगी रशिया के लिए, क्योंकि रशिया इतने ज़्यादा रुपीज़ का आखिर करेगा क्या और उसे कैसे इस्तेमाल करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत में आ रहे थे लैवरॉफ, जो भारत को पिच करने वाले थे युआन को यूज़ करने के लिए। रशिया ये चाह रहा है कि रशिया ने अपने एक खुद का सिस्टम बना दिया है स्विफ्ट के जैसा, जिसे कहते हैं MIR सिस्टम। अब इस सिस्टम में अभी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइनीज युआन। तो रशिया ऐसे नहीं तो वैसे चाहता है कि भारत पे करे रशिया को इन युआन में। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत एकदम नहीं चाहता कि वो चाइनीज करेंसी को यूज़ करे, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट या हेल्प करने के बराबर ही हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, MIR पेमेंट सिस्टम जो रशिया ने बनाया है, उसे यूज़ करने के लिए रशिया भारत को काफ़ी इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहा है। रशिया का स्टेटमेंट ये है कि वो भारत को बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल देगा, जो करेंट मार्केट प्राइस होगा उससे $35 कम कीमत में वो भारत को ऑयल देने के लिए रेडी है। तो ये मोटिव रहेगा इंडिया को एनकरेज करने का कि वो रशियन ऑयल ले और MIR पेमेंट को यूज़ करे। ऑन दी अदर हैंड, US ने वॉर्न करते हुए इंडिया को ये कहा है कि उन्होंने जो काफ़ी मुश्किल से ऐसे सैंक्शंस को प्रिपेयर किया है जिससे कि वो रशियन इकोनॉमी को भेज सके और रशियन इकोनॉमी को डिक्रीज कर सके, अगर इंडिया ऐसे ही बार बार बहुत हैवी परचेजेस करेगा रशिया से ताकि रशिया की इकोनॉमी को अफ्लोट रख सके, तो US कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा इंडिया पर सैंक्शंस लगाने के लिए। अब बस बात इतनी सी है कि इंडिया आखिरकार करेगा क्या? क्या वो चाइनीज युआन यूज़ करेगा, रुपी रूबल ट्रेड यूज़ करेगा, या फिर इंडियन स्पेशलिस्ट कोई और तरीका ही निकाल लेंगे इन दी एंड? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।